तीज की पूर्व संध्या पर पुलिस लाइन स्थित डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। एसपी वसीम अकरम मुख्य अतिथि रहे। नागरिक अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के प्राचार्य राजेश कुमार ने की। एसपी वसीम अकरम ने लोगों से आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी त्योहार भाईचारे का प्रतीक हैं। अली तीज पर जानकारी देते हुए कोथली परंपरा जैसे पारंपरिक रीति रिवाजों से अवगत करवाया गया। सावन की रुत आई व निम्बा के निम्बोली लागी इत्यादि गीतों के माध्यम से कोथली परंपरा पर मनमोहक प्रस्तुति विद्यालय परिसर में सभी के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। ओ मेरा हरियाणा, आई असाढ़ सामन की पींग पाटड़ी, ऊंची पतंग नीली डोर इत्यादि गीतों पर छात्र छात्राओं द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर धरोहर शीर्षक पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें पहले प्रयोग में आने वाले साजो सामान को प्रदर्शित किया गया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को तीज के त्योहार की महत्ता व आधुनिक जिंदगी के साथ साथ उनकी संस्कृति से रूबरू करवाना था। ये पिछले 2 साल से आप लोग देख रहे हैं कि स्कूल बंद हैं। स्कूल बंद होने से स्कूलिंग का जो महत्व है वो लोगों तक एक बार फिर गया, और इस कार्यक्रम के जरिए हमने लोगों को एक बार पुनः ये चीज़ याद दिलवाने की कोशिश की है, और एक शायद अपने आप को भी गियरअप किया है कि स्कूलिंग जो है वो केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं है। अपनी संस्कृति से रूबरू होना, नैतिक मूल्यों का होना, और ये तो बहुत अधिक शिकायतें हमारे पास पेरेंट्स की तरफ से आती थी, जी बच्चा नैतिक मूल्य भूलता जा रहा है, स्कूल के अभाव में अच्छा नहीं कर रहा है, बोलने में फ़र्क आ गया है। तो अब इन प्रोग्रामों के माध्यम से हम एक बार फिर से बच्चों को उसी लय में लाएंगे, नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार किया जाएगा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने रीति रिवाजों से जोड़ा जाएगा, और वैदिक संस्कृति के अनुसार हम बच्चों को जो है एक ऐसे जिम्मेवार नागरिक बनाने का प्रयास करेंगे जिससे पे कि हमारा समाज जो है वो गर्व करेगा। हरियाली तीज पर क्या दिखाया गया स्कूल में आज? हरियाली तीज पर हमने एक पूरा नृत्य जो है नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें कि सावन के आने का महत्व, कोथली का महत्व, और इससे जो तीज से जुड़े हुए बाकी रीति रिवाज हैं उनको दिखाने का प्रयास किया, और बच्चे इससे अनभिज्ञ थे, बच्चों को पता चला और वो एंजॉय कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब ये घर घर में आज ये बातचीत का विषय भी बन जाएगा। पहली तीज जो हरियाणा का राज्य पर्व है, इसके अवसर पर डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में जो आयोजन किया गया था इस संबंध में, इसको सेलिब्रेट करने के लिए उत्साह से मनाया गया। इससे संबंध में काफ़ी सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए, और प्रिंसिपल साहब के निर्देशन में एक अच्छा चीज़ जो प्रयास हुआ, एक प्रदर्शनी लगाई गई जो हरियाणा के और ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर पे जो पुराना सामान और पुराने इस्तेमाल की चीज़ें जो कि संस्कृति का एक हिस्सा है, उनसे संबंधित लोग याद ताज़ा रख लाने के लिए, और ख़ासतौर पे जो आज की जनरेशन है जिसको इसके बारे में पता नहीं है, उसके लिए एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई थी। मैं इसके लिए प्रिंसिपल साहब को बधाई देना चाहता हूँ, और जो कलाकार इस संबंध में काफ़ी दिनों से मेहनत करके उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, मेरी ये गुजारिश भी होगी कि वो तो और जगह भी इस चीज़ को लेके जाएं, ताकि जो आज की जनरेशन है इनके महत्व के बारे में जान सके, और उनका इस्तेमाल क्या था, किन चीज़ों के बारे में था, उसके बारे में जान सके। सारी जो प्रदर्शनी थी, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे कराए गए थे। मैं इसके अवसर पर सारे हरियाणा की जनता, जींद की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाली तीज का जो त्यौहार है उसको खुशी से मनाएं, और खूब इसमें उत्साह से पार्टिसिपेट करें। जो झूले का और मिठाई का और घेवर खाने का जो एक रीति रिवाज है उसको बनाए रखें। हरियाणी आधी समझ में आती है, आधी समझ में नहीं आई, बट हाँ जो संदेश है, जो समाचार है, और जो संस्कृति से जुड़ने का एक माध्यम है, एक किसान इसके माध्यम से, इन कार्यक्रम के माध्यम से ये बहुत आसानी से हो जाता है। आजकल के बच्चे भी बहुत कम हरियाणवी, इस तरह की हरियाणवी की जानते हैं, बट गीतों के माध्यम से इसको दोबारा से पुनर्जीवित करने का एक प्रयास रहता है, ये बहुत ही सराहनीय है। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।